Hello, good morning everyone. It's me, Shobha Upadhyay. Welcome to the Ravens Convent School. Let's start class. Page number 36, this is chapter A. First chapter A, मैं आपको 36 page. Class आपकी एक ही थी. Subject है आपको हिंदी. ये देखिए आप, अगर आपको books नहीं है तो आप books ले लीजिए बेटा. क्योंकि books नहीं हो तब तक आप पढ़ेंगे नहीं. Okay? ये देखिए इसका है अभ्यास. दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए. दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए. ओके, यदि आपका वर्ड है माँ, जैसे एक वर्ड है आपका माँ का ला, या तीन वर्ड हो गए माँ का ला, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो आपको करना है कमल. एक वर्ड बनाया है, शब्द बनाया, इसका क्या अर्थ है ना? कमल. कमल जानते हो आप? फ्लोवर. इसका फ्लोवर जो कमल होता है. नेक्स्ट वर्ड है आपका ला माँ का. इसका कोई अर्थ नहीं है. जब आप इसको दम से लिखेंगे तो एक शब्द बनेगा. क्या बनेगा? शब्द. तो क्या बना इसका? गा मा ला. गमला जानते हैं आप लोग? गमला. गमला क्या होता है? जिसमें आप पेड़ पौधे लगाते हैं. आपके घर में सबके होते हैं गमले. नेक्स्ट वर्ड है आपका चा था ला. ये क्रम में नहीं है. इसका कोई शब्द नहीं है, ना कोई इसका अर्थ है. जब हम इसको क्रम से जमाएंगे क्या बनेगा? चा रा था. क्या बना? चरखा. चरखा यानी चा से चरखा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रो द म द म रू डमरू. क्या बना? डमरू. नेक्स्ट है आपका जा जा हा. देखिए आप इसमें इसमें दिया है अलग अलग वर्ड है. आप जब इसको ग्रंथ से लिखेंगे तो एक शब्द बनेगा. क्या बनेगा? अब इसका कोई शब्द नहीं है. आप पढ़ोगे तो आपको अजीब लगेगा पढ़ने में. जा जा हा ये क्या होता है? जब इसको ग्रंथ से जमाएंगे जहाज. क्या बनेगा? जहाज. जा से जहाज जानते हो तो होता है जा से जहाज. नेक्स्ट है खा ता बा. ऐसे इसको बोलने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना. बोलते हैं जब ब्रह्माई शब्द नहीं होते तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता बोलने में. शमी. ये आपको बुक है, इसमें आपको दिया गया है अभ्यास. ये आपको इसलिए बनाना है